हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशीष शर्मा। आज हम बात करते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल से ज़ीरो फाइंड करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट का सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इसकी बात करेंगे हम आज। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस एग्ज़ाम्पल में हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। जब ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, ये टू उधर चला जाएगा तो माइनस का टू बन जाएगा, और फिर होगा एक्स इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव, जो एक्स के मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में चला जाएगा। तो अपनी एक्स की वैल्यू जो हो गई अपनी माइनस टू बाय फाइव। अब x की जो वैल्यू हमारी हुई थी x इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव, वो हम x की जगह पुट करें तो हमारे पास ये जो पी एक्स है, ये जो पॉलीनोमियल है, वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये कि हमने यही सीखा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स का ज़ीरो कैसे फाइंड किया जाए। अगला एग्जांपल देके देखते हैं। देखो, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, हम इसमें ज़ीरो, सेकंड एग्जांपल है हमारा, देखना एक बार। इस एग्जांपल में हम बात करेंगे, देखना एक बार। टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो के बराबर किया तो ये हो जाएगा अपना टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई आपकी माइनस थ्री बाय टू। जहाँ पर हमें एक्स दे रखा है पी एक्स की, जो पॉलीनोमियल है उसमें x की जगह पे माइनस थ्री बाई टू पुट करेंगे तो यह पॉलीनोमियल अपना ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब हमारे बात की है कि चेक, हमको चेक करना है, ये जो हमारा अगला एग्जांपल है, जो इसमें हमको चेक करना है कि टू रखने पर ज़ीरो किस पॉलीनोमियल का होता है। दो चीज़ दे रखी है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। हम कहाँ पर पुट करें टू कि ये पॉलीनोमियल हमारा ज़ीरो बनाता है। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे टू माइनस टू इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ज़ीरो। पर यहाँ पे अगर अपन टू पुट करते हैं तो टू प्लस टू इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा फोर। समझ में? तो हमने आज यही चीज़ सीखी कि ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।